हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 सेट कंटिन्यू है हमारे पास, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ टू सेट्स। लेक्चर नंबर 3, ऑपरेशंस ऑफ टू सेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियंस यूनियन को ऑफ टू सेट को हम डिनोट करते हैं इस कैपिटल यू से। यूनियन का मतलब हमारे पास क्या होता है, इत्तेहाद होता है दो सेटों के दरमियान। यानी आपके पास दो सेट होंगे और दोनों सेटों में आप कैसे उसको ऑपरेट करोगे, ये हम जो हमारे पास यूनियन है इसमें हम पढ़ेंगे। अब यूनियन में एक एग्जांपल आपके पास है, ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज़ इक्वल टू 2, 3, 4। हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ए इज इक्वल टू आपके पास ए यूनियन बी, ये आपको मालूम करना है। फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यूनियन हमारे पास किस तरह मालूम होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स आप लिखोगे। अगर दोनों सेटों में डबल एलिमेंट आ जाए तो उसको भी आप आंसर में, यानी अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो उसमें भी आप क्या करोगे, डबल के बजाय आप उसको सिंगल लिखोगे आंसर में दोनों सेटों के। यूनियन में हम दोनों सेटों से ही लिखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज से लिखते हैं, तरतीब के साथ लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, और सेट बी में हमारे पास अगर आपको नज़र आ रहा है तो 2 और 2, दो डबल है आपके पास, आप क्या लिखोगे, सिंगल। 3 और 3 आपके पास डबल है, आप क्या लिखोगे, सिंगल। आपके पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है 3 के बाद, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है, तो आप दोनों सेटों से ही आपको लिखना है। तो यह हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यूनियन में दोनों सेटों से ही लिखना है और तरतीब के साथ लिखना है। आपके पास डबल आ जाए एलिमेंट दोनों सेटों में, यानी पहले में सेट में आ जाए 2, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी आ गया 2, तो हमने क्या लिखा है, सिंगल लिखा है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों से ही लिखते हैं, तरतीब वाइज लिखते हैं और सिंगल सिंगल करके लिखते हैं। अगर हमारे पास दोनों सेटों में डबल आ जाए तो आप क्या करोगे, उसको सिंगल ही लिखोगे। एक दूसरे एग्जांपल के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है, सी यूनियन डी। अच्छा, यहाँ पे इक्वल के इस तरफ जो कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं सेट को, जो नोटेशन है सेट का, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, सही है। हमारे पास हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, सी यूनियन डी मालूम करना है। तो हमारे पास हम ये देखते हैं कि अगर दोनों सेटों में, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, दोनों सेटों में डबल होगा तो क्या लिखोगे, सिंगल। सीक्वेंस वाइज से लिखना है और दोनों सेटों से ही आप एलिमेंट लिखोगे। अब सी यूनियन डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ए फिर बी। अब देखो बी यहाँ पे भी है, डबल नहीं लिखना, सिंगल करके लिखोगे। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सी, यहाँ पे भी सी है, तो आपको क्या करना है, सिंगल करके लिखना है सी। यहाँ पे कोई भी आगे नहीं आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, डी, और उसके आगे हमारे पास क्या रह गया, एफ रह गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यूनियन में हमारे पास, फिर से बता रहा हूँ, यूनियन में हमारे पास दोनों सेटों से ही लिखना है, तरतीब वाइज करके लिखना है, डबल हो तो सिंगल करके लिखना है। अब दूसरा ऑपरेशन हमारे पास सेट में आपके पास है, सेकेंड हमारे पास जो है वो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन का सिंबल जो हमारे पास है, जिस तरह हमने यूनियन को लिखा था सीधा करके यू, आपके पास कैपिटल यू, लेकिन यहां पे हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या होता है, उलट लिखोगे, क्लियर। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, यहां पे एग्जाम्पल आपके पास है
ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू बी सी और डी। अब इन दोनों सेटों में, इन दोनों सेटों के दरमियान हमें क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में आप दोनों सेटों में जो आपके पास सेम एलिमेंट होंगे, जिसको हम कहते हैं कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट आपको क्या करना है, वही लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना। यानी अगर हम इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए इस सेट में मौजूद है लेकिन ए इस सेट में मौजूद नहीं है तो आप नहीं लिखोगे, बी इस सेट में मौजूद है, दूसरे सेट में भी मौजूद है, बिल्कुल आप बी लिखोगे, सी यहाँ पे मौजूद है उस वाले सेट में भी मौजूद है तो आप सी बी लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आप सब नहीं लिखोगे। जिस तरह यूनियन में होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं सिर्फ वही आप लिखोगे, अदरवाइज बाकी कुछ भी नहीं लिखना। अब अगर हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास दोनों ही सेटों में कुछ भी सेम ना हो तब क्या होता है, एक एग्जांपल है ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी सेट आपके पास जो है वो है ई डी एफ। अब यहां पे देखो दोनों सेटों में कुछ भी सेम नहीं है तो तब आपको क्या करना है कि जब दोनों सेटों में कुछ भी सेम नहीं होगा आप क्या लिखोगे, नल सेट लिखोगे। क्या लिखोगे, नल सेट लिखोगे। अगर दोनों इंटरसेक्शन में, अगर दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो आप क्या लिखोगे, नल सेट लिखोगे। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया नल सेट को हम यू भी रिप्रेजेंट करते और नल सेट को हम यू भी रिप्रेजेंट करते। तो आपके पास ऑपरेशन के अंदर हमने दो चीज़ें आपके पास पढ़ी, यूनियन और इंटरसेक्शन। इंशाल्लाह इसके और भी ऑपरेशन है वो आपको दूसरी वीडियो में आपको बता देंगे। थैंक यू।